बाइक की चैन गई है टूट हमारी की, और मैं सोच रहा था कि पहले भी कुछ गड़बड़ लग रही थी मुझे, कटर कटर आवाज़ कर रही थी, फिर भी उसके बाद भी मैंने इसमें चैन ली और उसके बावजूद भी टूट गई। और ऐसे कुछ खास स्पीड से भी नहीं चल रहे थे, खास ऑफ रोड भी नहीं थी, लेकिन टूटी क्यों वो समझ में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है टूट कैसे गई। पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट, चोर आ गए सुबह सुबह चोर आ गए, राइड हो चुकी है स्टार्ट, और सारी हिमालयन है आज, सबसे अच्छी बात ये है सारी हिमालयन है फुली लोडेड। न्यूटन में आ रही है साहिल और सूर्य देवता परवान चढ़ने वाले हैं, और रात को जलती हुई तब क्या सुंदर नजारा यहाँ पर देखने को मिलता होगा। तो अभी हम शिरडी से दूर हैं 824 किलोमीटर, ये अपनी लाड़ो। एक्चुअली अब हम रुक चुके हैं शिवपुरी में और यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सफ़र है और काफ़ी अच्छी रोड है, मज़े आ गए मज़े। गिल्लू हमारी लाइफ जैकेट दे दो भाई साहब। तो गोवा की कुंज गलियों को छोड़कर हम अब निकल रहे हैं, बाय बाय गोवा। ऐसा गेट जैसा बना है सामने देखने पर आपको लग रहा होगा, पेड़ों ने रोड को घेरे हुआ था, तो देखो एक तो अलग ही लुक आ जाता है। ये है फॉग आपके सामने, बाइक में हो गई छोटी सी प्रॉब्लम हमारे हरेंद्र भैया की में, पता नहीं अचानक बंद हो गई और अब स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, तो उसको टो करके हम अब रॉयल इनफील्ड शोरूम गोवा ले जा रहे हैं, और वहां जाके पता चलेगा क्या दिक्कत है कैसे क्या। तो अब रूट थोड़ा एक्चुअली का पूरा ट्यूर थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, अब यहाँ कितना टाइम लगेगा, कहाँ जाएंगे, किस तरीके से होगा। तो हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे नंबर 48 पर, और 7 घंटे 26 मिनट और लगेंगे हमें, और 353 किलोमीटर और चलना है हमें। साफ सुथरा रोड है, रोड भी एकदम नीट एंड क्लीन और बिल्कुल स्मूथ, और जल्दी हमें कुछ है नहीं क्योंकि हमें पुणे जाना, अब पुणे में आज रेस्ट करेंगे। और ये हमारे साहिल भाई साहब पहुंच चुके हैं हमसे पहले, ये बार का तो कंफ्यूजन हो गया इसी रोड पे कि दूसरी रोड पे, ये आ गया फिर एक टोल, और टोल पर हमारी गाड़ी नहीं रुकेगी क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हिसाब का टोल नहीं कटेगा, और बाइकिंग का यही सबसे बड़ा फायदा। लेग गार्ड बांध दो यार भाई साहब, हट मत देख दो। हम हैं 65 किलोमीटर दूर, बांध दिया रस्से से, और
लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चुपचाप चलो, क्या ज्ञान मत दो और धीरे चलियो। बैठ जा चुपचाप, हवाई जहाज के बांध ही लाड़ू पवन डरते अम्बे। और स्थिति हो गई है ये कि आज हमारी लाड़ू जा रही है खींच के साहिल की बाइक से। क्या करें, आज फंस गए हम। हमारी एक्चुअली मैं पहले देख तो रहा था कि दिक्कत है, लेकिन मैंने देखा भी खूब, लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन चैन ल्यूब डाल दिया था उसके बाद, फिर ये नॉर्मली आवाज़ इसने बंद कर दी थी, तो मैंने सोचा शायद चैन ल्यूब की वजह से कोई दिक्कत होगी। मैंने कहा भी था, लेकिन पता नहीं कि अचानक टूट गई। रात का भी सीन ऐसा हो गया और सुबह का भी सीन ऐसा हो गया। चलो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही सोए थे और ऐसे ही उठ गए। और अभी टाइम हो रहा है 7:10। क्या हाल है तेरे? देख फोटो आ रहा है तेरा, देख देख उरी, देख उरी। अरे हेलो बोलते सर, हेलो हेलो तनाकार करी एक ये गाड़ी की यार। ये करण भैया पे नाराज हो रहा है क्योंकि जल्दी से काम करो, शाम की पार्टी या 31st मनाने के चक्कर में ये मान नहीं रहा है। तो ये है सीन, अभी बाइक पर हो रहा है काम और फिर यहाँ से निकलेंगे। अब मुझको लग नहीं रहा 7 बजे से पहले ही हमको छोड़ेंगे।